So good morning dear students, we will start with the topic 4.3. अब ये वीडियो में हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम पे, जो क्या कैरी कर रहा है, UDL कैरी कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे W इंटेंसिटी का लोड एक्ट कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहती है, स्टेप नंबर वन, चेक फॉर डिटर्मिनेसी। स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं, चेक फॉर डिटर्मिनेसी, हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। अब डिटर्मिनेसी कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम ये सपोर्ट कितनी रिएक्शंस डेवलप कर रहा है, ये सपोर्ट दो रिएक्शन डेवलप कर रहा है, रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन डेवलप कर रहा है, तो ये कितनी हो जाएंगे, 2+1 3। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कितनी रिएक्शंस रहती है, 3, तो ये हो गया 3 - 3 विल बी इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। अब देखेंगे स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि हम रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट होगी, इसे हम कंसिडर करेंगे आर ए, इसे हम कंसिडर करेंगे आर बी, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम हमारे जो दो कांस्टेंट है उनको कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या बोलेंगे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। पहले हम क्या मानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो 0 होना चाहिए। डायग्राम में हमको दिख रहा है क्या, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद कौन सा आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस जा रही है वो कितनी होना चाहिए, 0। अब वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेज जा रही है, आर ए है, ऊपर जा रही है इसीलिए पॉजिटिव ले लेंगे, डब्ल्यू है ये नीचे आ रहा है। अब इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। UDL को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, WL, ठीक है ना। और वो कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। देयरफॉर RA माइनस WL प्लस RB विल बी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बोल सकते हैं कि RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू WL, ये बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब क्या बोलेंगे, थर्ड कौन सा है, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल्स टू 0। अब तीसरा हम क्या मानते हैं, पहला मानते थे कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रही है वो 0 होना चाहिए, सेकंड में हमने बोला कि वाई डायरेक्शन में जा रही है वो 0 होना चाहिए, थर्ड क्या है, जो भी मोमेंट, जो भी यानी मोड़ना आ रहा है हमारे बीम में वो क्या होना चाहिए, 0। अब मोमेंट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, करते हैं कि नहीं, जब सिंपल हमको फोर्सेस कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली फोर्सेस लेते हैं, बट जब हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, देखो अगर हमने ए पॉइंट पे 0 कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जाएगा इधर, क्लॉकवाइज है डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है तो ये क्या है, डब्ल्यू इंटू एल है, डब्ल्यू इंटू एल, तो देयरफॉर दिस विल बी डब्ल्यू इंटू एल इंटू कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये क्या है, एल बाय टू, तो ये आ जाएगा एल बाय टू माइनस आर बी कितनी है, आर बी है जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है इसलिए नेगेटिव लिया। आर बी कितने इससे जा रही है, ये टोटल लेंथ, ये पूरा लेंथ कवर करके वो एक के पास जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसा, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाय टू माइनस आर बी इंटू एल विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर नेगेटिव जो है वो इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल एल बाय टू विल बी इक्वल्स टू आर बी इंटू एल हो जाएगा। अभी एल एल समझो कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर आर बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाय टू। अभी हमारे पास रिएक्शन मिल गया हमें आर बी का। अब सिमिलरली हम आर ए के लिए करेंगे, तो क्या है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू कितना है, डब्ल्यू एल है कि नहीं, डब्ल्यू एल यहाँ से, तो देयरफॉर आर ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, यानी डब्ल्यू एल में से हमने आर बी को इधर ले गए और डब्ल्यू एल बाय टू लिखे, तो कितना बचेगा, डब्ल्यू एल बाय टू। अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई है, आर ए भी मिल गई है और आर बी भी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री, कैलकुलेशन ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी।
अब एस एफ डी और बी एम डी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देखेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे फॉर एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायग्राम में हम शियर फोर्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम शियर फोर्स यानी ये देख रहे हैं जब लोडिंग जहाँ से भी आ रही है वहाँ से तो सपोर्ट दे रहा है, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से बीम ब्रेक हो सकती है, बीम ब्रेक नहीं हुई है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शियर फोर्स डेवलप हुई है। अब शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, एक एक्स सेक्शन कंसिडर किया, कितने डिस्टेंस पे कंसिडर किया, एक्स डिस्टेंस पे कंसिडर किया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे भी ड्रॉ करके बता सकती हूँ, जैसे ये है पॉइंट लोड है, ये यूडीएल है एक्ट कर रही है, ये एक्स हमने क्या लिया, सेक्शन ले लिया, एक्स एक्स सेक्शन लिया, और ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। लोड कितना एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, हर जगह डब्ल्यू ही एक्ट कर रहा है। अब शियर फोर्स कंसिडर करने के टाइम हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अब क्या बोलेंगे कि शियर फोर्स एट एक्स डायरेक्शन, शियर फोर्स जो है एक्स सेक्शन पे कितनी आएंगी, कितनी आएंगी, जो सेक्शन है उसके लेफ्ट में जितनी भी रिएक्शंस आ रही है या फिर लोड आ रही है उसको लेंगे। तो अब ये लोड कितना था, आ रहे, ये फोर्स लग रहा था ना, सपोर्ट रिएक्शन दे रहा था, आ रहे ऊपर जा रहा था इसलिए पॉजिटिव है, माइनस ये डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, बट यूडीएल है तो डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं ले सकते, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, द हाइट इन टू डिस्टेंस। अब ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हाइट हो गई, एक्स उसका डिस्टेंस, तो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। तो आर ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एक्स, ये हो गया शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन, यानी शियर फोर्स एक्स सेक्शन पे कितना रहेगा, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। अब ये पॉइंट पे तो है, अब हम देखेंगे कि ए पे कितना रहेगा और बी पे कितना रहेगा, इसको हमने ए पॉइंट बोला और इसको क्या बोला, बी। अब क्या बोलेंगे, शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स ए पे कितना रहेगा, अब देखो ए पे क्या पॉइंट रहेगा, मतलब जब हम एक्स को ज़ीरो ले सकते हैं, ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तब हम एक्स को क्या ले सकते हैं, टोटल लेंथ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे लेंथ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है उसमें हम ज़ीरो पुट करेंगे, यानी कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, तो देयरफॉर शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू, यानी शियर फोर्स ए पॉइंट पे कितनी आई, डब्ल्यू एल बाई टू आई। अब सिमिलरली हम बी के लिए निकालेंगे, सिमिलरली बी के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल्स टू एल, अब एल की वैल्यू इसमें पुट करो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, एक्स की जगह एल पुट करेंगे, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इन टू एल। अब एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू, बट जो बड़ा है उसका साइन आएगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। अब ये दोनों वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है कि शियर फोर्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी वो अपनी साइन चेंज कर रहा है। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों, क्योंकि जब शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब देखेंगे ये दोनों वैल्यूज तो निकल गई, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट देखेंगे कि जहाँ पे शियर फोर्स क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि पॉजिटिव आया है और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिस्टेंस आया होगा हमारी इतनी बड़ी लेंथ पे जहाँ पे शियर फोर्स क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। वो लेंथ हमको निकालनी है, मतलब लेंथ यानी हमें जो एक्स डिस्टेंस है वो हमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे ए से कितने डिस्टेंस पे शियर फोर्स क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, यही रिएक्शन लेंगे, क्या बोलेंगे, शियर फोर्स एट एक्स, हम x पे निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स। अब w क्या है, w l बाई टू था माइनस w x। अब शियर फोर्स को क्या समझेंगे हम, ज़ीरो। हमने क्या बोला कि जब शियर फोर्स ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या रहेंगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ आकर ये हो जाएगा w l बाई टू, w विल गेट कैंसिल,
तो x विल बी इक्वल्स टू l बाय टू, यानी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू l बाय टू रहेंगी, मतलब x जो है जब l बाय टू डिस्टेंस पे रहेगा a से, तो शेयर फोर्स क्या रहेगा, शेयर फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले हम शेयर फोर्स का डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। अब इसे क्या कंसिडर करेंगे, एक रेफरेंस लाइन कंसिडर करेंगे। रेफरेंस लाइन कैसी है, ए है बी है, ये लोडिंग है। अब ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आया है, डब्ल्यू एल बाई टू, पॉजिटिव है यानी लाइन के ऊपर जाएगा, दिस विल बी डब्ल्यू एल बाई टू। अब दूसरा क्या दिख रहा है, शेयर फोर्स बी पे कितना है, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये हो जाएगा नीचे। अब ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो ये कितने डिस्टेंस पे था, एल बाय टू, ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू मिल गई जो हमने किया है। दिस इज़ द शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट हम कैसा कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर बी एम डी, जब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहे हैं यही सेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ए, सॉरी एट एक्स सेक्शन, पहला क्या कंसिडर करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन, जो सेक्शन हमने कट किया है उस पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। जब हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी एक्स सेक्शन पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको एक्स सेक्शन तक जाना है, तो आर ए इंटू एक्स। सिमिलरली अब डब्ल्यू क्या है, नीचे आ रहा है, डब्ल्यू इंटू क्या होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू एक्स क्यों होगा, क्योंकि उसको हमने यू डी एल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो देयरफॉर इट विल बी डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट लोड है वो हाफ इस पर एक्ट करता है, तो कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू। ठीक है, अब ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, एक्स के लिए हमने निकाल लिया। अब इसके लिए दो पॉइंट के ऊपर निकालना पड़ेगा, कैसे, जब एक्स जो रहेगा ज़ीरो रहेगा और जब एक्स क्या रहेगा, एल रहेगा। अब बोलेंगे कि व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हम एक्स ज़ीरो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू इंटू ज़ीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट a विल बी इक्वल्स टू 0, यानी a पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब सिमिलरली हम काय में जाएंगे, b पॉइंट पे जाएंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट b क्या है, तो क्या लेंगे, x विल बी इक्वल्स टू l। अब b के लिए हम x को क्या लेंगे, l लेंगे, तो देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल, इस ये वैल्यू करेंगे डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब जहाँ x है वहाँ पे हम l पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। अब ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, ये क्या हो गया, ज़ीरो। तो हमें क्या दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जो है ए पे भी ज़ीरो है और बी पे भी ज़ीरो है। और इसके पहले हमने क्या बोले थे कि शियर फोर्स जो है जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है वहाँ पे क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम रहेगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे एल बाय टू पुट करके, क्यों, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाले। अब इसको पुट करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ एल बाय टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल बाय टू का स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर, ये नीचे चले जाएगा, टू का स्क्वायर फोर इंटू टू,
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 एट ज़ा 32। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 32, 4 वन ज़ा 4 एट ज़ा, तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या होगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। दिस इज, अब यहाँ पर लिखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट एल इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू एल बाय 2 पे क्या रहेंगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, यानी ये हो गई मैक्सिमम। अब हम ड्रॉ करेंगे ये सबका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखो फिगर को क्या अज्यूम करेंगे, ये हमने बनाया था, ये क्या था यूडीएल था, था ये यूडीएल। अब इसको ऐसा डॉट में करेंगे, ये सेंटर पे भी आएगा क्योंकि एल बाय टू भी है, एक शियर फोर्स के लिए रहेगा, एक बेंडिंग मोमेंट के लिए रहेगा। अब शियर फोर्स कैसा आ रहा है, शियर फोर्स की पहली वैल्यू क्या आई डब्ल्यू एल बाय टू, पॉजिटिव आई इसलिए ऊपर लिए, अब नेगेटिव आएंगी तो डब्ल्यू एल बाय टू नीचे ले लेंगे। अब ऐसा हमने बना दिया, ये वो पॉइंट था जहाँ पे शियर फोर्स ज़ीरो है, दैट इज़ एल बाय टू। फिर हमने क्या देखा कि बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे क्या था ज़ीरो था, बी पे भी ज़ीरो, यानी ये यहाँ पर भी ज़ीरो रहेगा यहाँ पर भी, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 है, यानी ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। सो दिस इज़ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यू डी एल।